दफनाने के अजीब रिवाज। दरअसल हम यहाँ आत्मा के दूसरे आयाम में जाने की बात कर रहे हैं, यानी आगे के सफर पर। विशाल तहखाने जो भरे हैं अजीबोगरीब चीजों से। इन टूम्स के अंदर मौजूद बोट्स ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो जरूर दूसरे आयाम में जाने की कोशिश कर रहे थे। और दुनिया भर में मौजूद बेहद अनोखे टीले जो दरअसल कब्रगाह है। जब हम इन सेलेस्टियल अलाइनमेंट की तर्ज पर बने स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्या वाकई हम सितारों की दुनिया से जुड़े थे? क्या हमारे पूर्वजों के ये मकबरे मौत के बाद के सफर का रास्ता थे, या फिर वो इनकी शक्ल में आज के इंसान को अपने एलियन पुरखों से जोड़ने का जरिया छोड़ गए हैं? आप अपने आप से पूछिए कि क्या उन्होंने मौत के बाद सितारों की दुनिया में जाने का रास्ता बनाया था जहां से वो यहां आए थे? दुनिया भर में फैले लाखों लोग मानते हैं कि हमारे ग्रह पर एलियंस आते थे। क्या हो अगर ये सच हो? क्या सचमुच एंशिएंट एलियंस ने हमारे इतिहास को बेहतर दिशा दी थी? अगर ये सच है तो क्या ये प्राचीन मकबरे इंसान के किसी दूसरी दुनिया से रिश्तों के रहस्य से पर्दा हटा सकते हैं? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो क्या पीछे छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस लौटेंगे? साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज। वैली ऑफ द किंग्स, इजिप्ट। भारत का ताजमहल और किंग पकाल का मकबरा पेलेन के मेक्सिको। ये सब हजारों साल पुरानी ऐसी शानदार कब्रें हैं जो दुनिया के हर हिस्से में मौजूद हैं। कुछ प्रमुख शोधकर्ताओं के मुताबिक ये जगहें प्राचीन रहनुमाओं की आखिरी पनाहगाह है। लेकिन क्या इसके अलावा भी इनका कोई और मकसद है जिसके तार दूसरी दुनिया से जुड़े हों? प्राचीन काल में इतने विशाल पैमाने पर इन कब्रगाहों को बनाने की आखिर क्या वजह हो सकती है? अगर प्राचीन अभिलेखों और परंपराओं की माने तो हमारे पूर्वजों को ये ज्ञान खुद देवताओं ने दिया था। अगर इन मकबरों का मकसद सिर्फ मुर्दों को दफनाना था तो लगभग इन सभी को आध्यात्मिक ऊर्जा से क्यों जोड़ा जाता है? साथ ही एस्ट्रोनॉमी की तस्वीरों और किसी दूसरी ज्यादा आध्यात्मिक दुनिया की मौजूदगी से भी? सभी संस्कृतियों में इस गुप्त द्वार यानी किसी स्टारगेट को खोलने की धारणा रही है जहां से आत्मा वापस दूसरे आयाम में लौट सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि मौत के बाद आत्मा को किसी महायात्रा पर जाना होता है। प्राचीन लोग मानते थे कि इस दुनिया की जिंदगी हम जी रहे हैं, ये हमें जीवन के बाद की महान यात्रा की तैयारी के लिए मिली है ताकि हम अपनी असली मंजिल तक पहुंच सकें। क्या ये प्राचीन मकबरे वाकई किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मकसद को पूरा करने के लिए बनाए गए थे? वो मकसद जो मृतकों को सितारों की दुनिया में ले जाने से जुड़ा था? कई प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट मानते हैं कि इस सच्चाई का पता प्राचीन और रहस्यमय मिस्र अभिलेखों के अध्ययन से लगाया जा सकता है। सकारा, जो मौजूद है नील नदी के पश्चिमी तट पर, कायरो से करीब 32 किलोमीटर दक्षिण में। यह आर्कियोलॉजिकल साइट मिस्र की सबसे बड़ी और प्राचीन कब्रगाह है। इजिप्टोलॉजिस्ट, इन मॉन्यूमेंट्स को टॉम्स कहते हैं, लेकिन मिस्र वासियों के लिए ये महज टॉम्स नहीं थे, इन्हें दूसरी दुनिया का दरवाजा माना जाता था। इन्हीं रास्तों से होकर प्राचीन सम्राट दूसरी दुनिया के सफर पर खतरों, रुकावटों और जोखिमों को सामना करने की शुरुआत करते थे। माना जाता था कि अगर वो इन बाधाओं को पार करने में कामयाब रहे तो उन्हें उस दुनिया में मौजूद ओसायरिस की साम्राज्य में जगह मिल जाएगी। इस विशाल कब्रिस्तान के ऊपर मौजूद है सम्राट
टेटिका पिरामिड, जो मिस्र के छठे राजवंश के पहले शासक थे। टेटी ने अपने शासनकाल में 4000 साल से भी पहले अपने पिरामिड और उससे जुड़े कब्रिस्तानी टेंपल को बनवाया था। इस वक्त मैं किंग टेटी प्रथम की बनाई हुई प्राचीन सड़क पर चल रहा हूँ। वो उनका पिरामिड है और ये है उनका मॉर्चुरी टेंपल का खंडर। इस पिरामिड की काफी अहमियत है। इसमें दुनिया के सबसे पुराने और महान अभिलेख लिखे हुए हैं, यानी पिरामिड अभिलेख। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक पिरामिड अभिलेख प्राचीन मिस्र के वो धार्मिक लेख हैं जो ईसा पूर्व 2400 के आसपास लिखे गए थे। इनमें ओसायरिस के बारे में लिखा है, जो मृत्यु पश्चात जीवन के इजिप्शियन गॉड है। इनमें फेरो के मृत शरीर को संभाल कर रखने की वो हिदायतें हैं जिन पर अमल करने से वो मृत्यु पश्चात जन्नत तक जा सकते हैं। ये पिरामिड अभिलेख सितारों की बात करते हैं। इनके मुताबिक सम्राट एक स्टार बन जाते हैं। इनमें लिखा है, सम्राट आसमान में मौजूद ओसायरिस ओरायन के साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। लेकिन प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट के मुताबिक ये पिरामिड अभिलेख न सिर्फ फेरो को मृत्यु पश्चात जीवन का रास्ता बताते हैं, बल्कि वो हिदायतें भी देते हैं जिनकी मदद से फेरो दूसरी दुनिया में पहुंच सकते हैं। यहाँ इस बात पर खास ध्यान देने की जरूरत है कि प्राचीन इजिप्शियंस दावा करते हैं कि करीब 25,000 साल पहले देवता उन्हीं के बीच रहते थे और फिर अचानक वो गायब हो गए। पिरामिड टेक्स्ट के हिसाब से हम यानी प्राचीन इजिप्शियंस फिर से देवताओं तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारी मृत्यु जरूरी है और मृत्यु होते ही हम देवताओं तक पहुंचने के काबिल हो जाएंगे। हम यहां आत्मा और दूसरे आयाम में उसके सफर की बात कर रहे हैं। सदियों से रेगिस्तान की रेत में दफन सकारा के ये खंडहर एक और प्राचीन रहस्य का घर है, जो सम्राट टेटी के पिरामिड से आधे मील की दूरी पर है। सन 1850 में फ्रांसीसी आर्कियोलॉजिस्ट ऑगस्ट मैरियट ने एक चौंका देने वाली खोज की। उन्होंने ढूंढ निकाला एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड बंकर। ये एक बेहद अनोखी और रहस्यमय जगह है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी के पेट में हो। इसे बयां करना मुश्किल है। ऐसा लगता है हम जैसे दूसरी दुनिया में हैं, मौत की दुनिया में। इस सेरेपियम में ग्रेनाइट से बने विशाल ताबूत मौजूद है। माना जाता है कि इन्हें आसवान शहर से यहां लाया गया था, जो यहां से करीब 970 किलोमीटर दूर है। ये यहां रखे हुए उन्हीं ताबूत में से एक हैं। यहां ऐसे दर्जनों ताबूत हैं और इनमें से हर एक का वजन करीब 70 टन है। ये ग्रेनाइट के ठोस चट्टानों से बने हुए हैं, लेकिन राज की बात यह है कि इन्हें इतनी सफाई से काटा कैसे गया। स्विस वॉच प्रिसिजन, कमाल के स्मूथनेस। जब हम इन बॉक्सेस के अंदर झांकते हैं तो वो अंदर की ओर लिड और बॉक्स के अंदर का वर्टिकल सरफेस दोनों परफेक्टली स्क्वायर दिखाई देते हैं। दोनों अपोजिट हैं, लेकिन दोनों की कंडीशन एक है। इसका मतलब ये दोनों सरफेसेस जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, उन्हें परफेक्टली पैरेलल बनाया गया है। ये कमाल की बात है। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट सवाल उठाते हैं कि प्राचीन इजिप्शियंस सैकड़ों मील दूर से इन विशाल चट्टानों को आखिर यहाँ तक लाए कैसे होंगे, और फिर इन्हें इस भूल भुलैया जैसे बंकर में कैसे पहुँचाया होगा, और इसके पीछे मकसद क्या था। यहाँ एक बड़ी समस्या है। कल्पना कीजिए कि प्राचीन मिस्र में उन लोगों ने चट्टानों के नीचे कई किलोमीटर लंबी एक भूमिगत सुरंग बनाई, दाई और बाई ओर निशिस बनाए। इसके बाद दो दिन तक सफर करके आसमान पहुंचते हैं। आसमान में उन्होंने ग्रेनाइट की सबसे सख्त चट्टानों को काटा और फिर उन भारी टुकड़ों को पेचीदा रास्तों से यहां तक कैसे लाए, ये आज तक किसी को नहीं पता। आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे कि लावा पत्थर के इन विशाल ताबूतों को कैसे बनाया गया। इनकी बारीकी देखने लायक है, और फिर इन्हें इन मुर्दों के तहखानों तक आखिर कैसे पहुंचाया गया। ऐसा लगता है जैसे 70 टन वजनी इन बॉक्सेस को
एंटी ग्रेविटी जैसी किसी जादुई ताकत से हवा में उठाकर लाया गया है। ज्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि सेरापियम और इनमें रखे विशालकाय ताबूत एपिस बुल्स की ममीज रखने के लिए बनाए गए थे। इजिप्शियंस मानते थे कि ये एपिस बुल्स आसमान से उतरे थे और वो इनके सम्मान में कई भव्य समारोह भी आयोजित करते थे। लेकिन जब मैरियट ने ताबूत खोलकर देखा तो वो खाली निकले, उनमें सिर्फ कुछ हड्डियां ही मिली। इस साइट पर सिर्फ एक ही एपिस बुल्स ममी पाई गई। कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट मानते हैं कि ये पवित्र बुल्स एलियंस ने बनाए थे और प्राचीन मिस्रवासी इनकी पूजा सम्मान के लिए नहीं, डर की वजह से करते थे। इंसान उन राक्षसों से डरते थे क्योंकि उन्हें खुद देवताओं ने बनाया था। वो पवित्र जानवर थे, इसलिए उन्होंने उनके कुदरती ढंग से मरने का इंतजार किया और उनके मरने के बाद उन्होंने उनकी हड्डियों को तोड़ मरोड़ कर इन ताबूतों में बंद कर दिया। प्राचीन इजिप्ट में हर जीवित प्राणी को मरने के बाद मम्मी में तब्दील कर दिया जाता था, इसलिए अगर कुछ ताबूतों में हमें सिर्फ हड्डियां ही मिले तो एक ही सवाल उठता है, आखिर क्यों वो इस बात का ध्यान रखते थे कि मौत के बाद शरीर को अंदर रखा जाए और उसके ऊपर 35 टन वजनी ढक्कन लगाया जाए ताकि वो जीव भविष्य में दोबारा कभी भी लौट कर ना आए। क्या ये ताबूत किसी किस्म की जेल के तौर पर बनाए गए थे जो मौत के बाद उन बुल्स को इस दुनिया में आने से रोकती थी, या फिर उनका निर्माण इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण किसी और मकसद के लिए किया गया था? इजिप्टोलॉजिस्ट हैरान हैं। उन्हें इन चीजों को बनाने के मकसद के बारे में कुछ भी पता नहीं, और ना ही ये कि उनमें से कई ताबूत खाली क्यों हैं। और आप भी हैरान रह जाएंगे, अगर इनका मकसद हमारी सोच से भी परे हुआ तो क्या ये वाकई किसी किस्म के इंटरडायमेंशनल स्टारगेट्स हैं, और क्या एलियंस इन्हीं के जरिए हमारे ग्रह पर आते जाते थे? क्या ये ताबूत असल में कोई टेलीपोर्टेशन सिस्टम थे? कई प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट तो यही मानते हैं। क्या यहां बने हुए ये चेंबर्स प्राचीन मानवों और एलियन विजिटर्स को दूसरे ग्रहों पर भेजने के लिए इस्तेमाल होते थे? शायद यहां से हजारों किलोमीटर दूर मौजूद जमीन के नीचे बनी ये कब्रगाह हमारे सवालों के जवाब दे सके। जगह दक्षिणी पेरू, साल 1987। आर्कियोलॉजिस्ट वॉल्टर एल्वा को यहां लॉर्ड सिपान का खोया हुआ मकबरा मिला है। चोरों की नजरों और पहुंच से छिपे हुए कब्रिस्तान को दुनिया का सबसे समृद्ध कब्रिस्तान माना गया है। लॉर्ड सिपान एक मौचे किंग थे जो तटीय इलाके पर मौजूद पेरू के लंबाशे के रीजन पर राज करते थे। उन्हें यहां सोना और चांदी का खजाना मिला और साथ ही ये शानदार और खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स, टेक्सटाइल्स और आर्ट के नमूने भी। पेरुवियन आर्कियोलॉजिस्ट्स कई बार इसे दक्षिण अमेरिका के किंग तूतनखामन के टॉम कहते हैं, और इन्हें इन टॉम्स के अंदर उन्हें जो चीजें मिली वो बेहद अनोखी थी। ये मकबरा कलाकृतियों से भरा हुआ था जिनमें मिट्टी के बर्तन, सोने, तांबे और चांदी के बर्तन शामिल थे, साथ ही आभूषणों से बने पंख भी। शोधकर्ताओं के मुताबिक इन्हें इसीलिए रखा गया था ताकि ये सिपान के आगे के सफर में काम आ सके। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इशारा करते हैं कि उनके कई नौकरों, चाकरों, पत्नियों और कलाकारों की बलि देकर उनके शरीर भी यही रख दिए गए थे ताकि वो अपने लोगों के साथ आसानी से आगे बढ़ सके। हमने देखा कि लॉर्ड सिपान को अकेले नहीं दफनाया गया था, उनके साथ कई दूसरे लोगों को भी दफनाया गया था। और जब हमें इस सच्चाई का पता लगा और महसूस होने लगा कि दूसरी सभ्यता के लोग भी एक जैसी तैयारी में जुटे हुए हैं, तो हमने पाया कि ये सभी लोग पूरे विश्वास के साथ मौत के बाद की दुनिया को कोई असल जगह मानते थे। वो मानते थे कि सफर के दौरान उन्हें कुछ हेल्पर्स की जरूरत पड़ेगी। ये भी माना जाता है कि वो फिर से उस दुनिया में अपने परिवार और करीबी सलाहकारों से दोबारा मिलना चाहते थे।
लॉर्ड सिपान के साथ दफनाए गए बेशुमार खजाने के साथ ही कुछ अजीबोगरीब मूर्तियां भी मिली। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इन्हें एलियन जीवों के सबूत पर देखा जाना चाहिए। वहां सिर्फ उनके नौकर और कलाकृतियां ही नहीं, वहां उन्हें ये अनोखी और बेहद अजीब जीवों के इंसान के रूप में बनी मूर्तियां भी मिली। कुछ लोग उन्हें दूसरी दुनिया के लोगों की छवि भी मानते थे। उन मूर्तियों की आंखें कीड़ों जैसी हैं, जो आम इंसानों जैसी कतई नहीं दिखती। यहाँ सिपान में वाकई एक टूम्ब है जिसमें कई सारे एलियंस जैसे प्राणी हैं, एंथ्रोपोमॉर्फिक जीव हैं जो आधे जानवर और आधे इंसान हैं। ऐसे लोग जो आम इंसानों जैसे बिल्कुल नहीं लगते, वो किसी दूसरी दुनिया के लोग जैसे लगते हैं। लॉर्ड सिपान के टूम्ब में कुछ बेहद दिलचस्प चीजें मिली। उन्हें उनके साथ ही रखा गया था। क्या ये प्राणी उनकी मौत के सफर के बाद में मदद करने वाले थे, एक ऐसे सफर में जो सितारों की दुनिया या जन्नत में खत्म होता था? लॉर्ड सिपान के अनुयायी मानते हैं कि वो न सिर्फ अमर है बल्कि वो आधे इंसान और आधे देवता है। जो चीज सबका ध्यान खींचती है वो है उनके चेहरे पर चढ़ा मास्क जो गोल्ड से बना है, और उनके शरीर के ज्यादातर हिस्से पर तांबे की शील्ड चढ़ी है। तो चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो डेड बॉडी है वो किसी और ही चीज से मेल खाती है, किसी शाइनिंग चीज से। लोगों में विश्वास था कि वो एक दिव्य मनुष्य थे और मृत्यु के बाद फिर से अपने उसी रूप को पा लेंगे। क्या लॉर्ड सिपान वाकई आधे इंसान और आधे देवता थे जैसा कि उनके अनुयायी मानते हैं? क्या उनकी कब्र के पास पाई गई मूर्तियां वाकई प्राचीन सम्राट के किसी दूसरी दुनिया का प्राणी होने का सबूत पेश करती हैं? अगर हाँ, तो क्या ये मुमकिन है कि ये मकबरा जो मिस्र में पाया गया सचमुच सितारों की दुनिया का कोई रास्ता है? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट इसका जवाब हाँ में देते हैं, और उनका विश्वास है कि और ज्यादा सबूत इन नावों के आकार के ताबूतों और प्राचीन टोराजन लोगों की अजीबोगरीब दफनाने की परंपरा से जुटाए जा सकते हैं। दक्षिणी सुलावेसी, इंडोनेशिया, यहां मौजूद है ताना तोराजा के गुफाओं के मकबरे, वो स्थान जहां ईसा पूर्व 3000 में इतिहास की सबसे पेचीदा अंतिम संस्कार की रस्म अदा की जाती थी। टोराजन लोगों का मानना था कि मौत जिंदगी के बाद के सफर की शुरुआत है। कई कल्चर्स आफ्टर लाइफ में विश्वास करते हैं, यानी कि वो जिंदगी जिसकी शुरुआत ये शरीर मिटने के बाद होती है। इंडोनेशिया के टोराजन लोग बेहद दिलचस्प और अनोखे हैं क्योंकि उनके रिचुअल्स अजीब हैं। उनके रिचुअल्स जिंदगी नहीं मौत से जुड़े हैं। किसी की मौत होने पर वो शानदार जश्न मनाते हैं, दावत करते हैं, और ये शानदार उत्सव मौत की खुशी में मनाए जाते हैं। टोराजन जाति के लोग मुर्दों को ऐसे खास ताबूतों में रखते हैं जो दिखने में किसी स्पेसशिप के मॉडल जैसे लगते हैं। वो उन्हें चोटियों पर छोड़ देते हैं, और वो भी यही मानते हैं कि आखिरकार मरने वाला सितारों की दुनिया में वापस जा रहा है, और एक दिन वो खुद भी सितारों की दुनिया में लौट जाएंगे। टोराजा शब्द का मतलब है ऊपरी दुनिया के लोग। टोराजन्स के अनुसार उनके पूर्वज स्काई शिप में बैठकर सितारों की दुनिया से उतरे थे। उनके शानदार ताबूत नाव के आकार में बनाए जाते थे जो उन स्काई शिप से मिलते जुलते थे जिनमें बैठकर उनके पूर्वज पृथ्वी पर आए थे। टाउ टाउ कहलाने वाली लकड़ी के ये पुतले मरने वाले की याद में उन्हीं की शक्ल में बनाए जाते थे, और उन्हें बैल्कनी में खड़ा कर दिया जाता था ताकि अपने मुर्दा शरीर की रखवाली कर सके। ये ऐसी चीज काफी खूबसूरत जरिया है जिससे वो हमें दिखाना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद भी मरने वाला हम पर नजर रख सकता है, क्योंकि मरने का मतलब सब कुछ खत्म होना नहीं है। मरने का मतलब सिर्फ इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाना है। ये विचार न सिर्फ हमारे कल्चर में है बल्कि इन सभी प्राचीन सभ्यताओं में था, और आज की तारीख में भी जिंदा है। टोराजन लोग आसमानी देवताओं में यकीन रखते थे जो कभी पृथ्वी पर उतरे थे और उन्हें ज्ञान की भेंट देकर अपनी दुनिया में वापस लौट गए, और उन्हें इसका भी पूरा यकीन था कि देवताओं के होते हुए हमारे पूर्वज जिन अनुष्ठानों का पालन करते थे उन्हें दोहराने पर हमें भी पवित्र देवताओं की दुनिया में जगह मिल जाएगी।
और खास तौर पर मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में वो अपने पूर्वजों से मिलने में कामयाब हो जाएंगे। और ये मान्यता यही नहीं पूरी दुनिया में मौजूद है। जैसा कि कुछ शोधकर्ता मानते हैं, क्या ये मुमकिन है कि हजारों साल पहले प्राचीन एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने ही हमारे पूर्वजों को नाव जैसे दिखने वाले ताबूत बनाने के लिए प्रेरित किया था जो उनके स्पेसशिप जैसे थे? अगर ये सच है तो क्या इन बोट कॉफिन्स की मौजूदगी हमारे पूर्वजों द्वारा सितारों के सफर पर जाने की तैयारी को दर्शाती है? कई लोग मानते हैं कि इस बात के पक्के सबूत आयरलैंड के रहस्यमय समाधि टीलों में ढूंढे जा सकते हैं। इन पर बने सितारों के नक्शे सबूत पेश करते हैं कि एंशिएंट विजिटर्स कहां से आए थे और यहां मौजूद मुर्दों ने कहां जाने का फैसला लिया था। ओल्ड कैसल, आयरलैंड। यहाँ पाषाण युग के कब्रिस्तान के खंडहरों के बीच मौजूद है एक 5000 साल पुराना मकबरा जिसका घेरा करीब 120 फीट है और इसका नाम एक पौराणिक कवि और राजा ओलाम फोडला के नाम पर रखा गया। ओलाम फोडला के टॉम में हमें जाहिर तौर पर पृथ्वी और सितारों के बीच कनेक्शन दिखाई देता है। कुछ लोग मानते हैं कि शायद ये उनकी सेलेस्टियल ऑब्जर्वेटरी थी, लेकिन मेरे ख्याल से ये किसी किस्म का टेंपल रहा होगा, आस्था की ऐसी जगह जो आसमान और पृथ्वी को जोड़ती हो। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के मुताबिक पत्थरों की इन दीवारों पर बनाए गए ये एस्ट्रोनॉमिकल हायरोग्लिफ्स शायद किसी दूसरे दुनिया के प्राणियों की कारीगरी है। यहाँ ओलाम फोडला में हमें बेहद हैरत अंगेज और सटीक एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट मिले हैं। देखने वाला हैरान रह जाता है कि हमारे पूर्वजों ने बिना किसी खगोलीय ज्ञान के इन्हें कैसे बनाया होगा। दरअसल दुनिया के इस हिस्से में फैली हुई कहानियों के मुताबिक पूर्वजों की मदद की गई थी। ये विद्या उन चमकते हुए प्राणियों के साथ यहाँ आई थी जो आकाश से उतरे थे। ओलाम फोडला की दीवारों पर सेलेस्टियल चार्ट्स बने हुए हैं, इसलिए सवाल ये उठता है कि कहीं ये उन एलियंस के लिए मैप्स तो नहीं जो उन्हें उनकी दुनिया में वापस जाने का रास्ता बताता हो? जैसा कि प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट इशारा करते हैं, क्या एलियंस ने ही हमारे पूर्वजों को तथाकथित सेलेस्टियल ऑब्जर्वेटरी बनाना सिखाया था? अगर ये सच है तो क्या इसी कब्रिस्तान से दूसरी दुनिया पर नजर रखी जाती थी? क्या यहीं से एलियंस तारों की गति को देखकर पूर्व अनुमान लगाते थे ताकि सही वक्त आने पर अपनी दुनिया में लौट सके? शायद इसका जवाब जापान की एक प्राचीन कब्रगाह में मुर्दों के साथ ही दफन है। सकाई, जापान। टोक्यो के दक्षिण पश्चिम में करीब 400 किलोमीटर दूर स्थित इस शहर में मौजूद है डायसन कोफून, करीब 10 किलोमीटर के घेरे में फैली 40 कब्रगाहों में से एक। लंबाई में ये गीजा के महान पिरामिड से दो गुनी है। ये दुनिया के सबसे विशाल मकबरों में से एक है। इसका निर्माण 5वीं सदी में किया गया था। माना जाता है कि इस जगह को जापान के 16वें सम्राट निनटोकू की समाधि के तौर पर बनाया गया था, लेकिन ये अलग अलग तरह के डिजाइन्स जो कोफून के ढांचे का हिस्सा है, इनमें सबसे रहस्यमय वो है जिन्हें की होल की शेप में बनाया गया है और इन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। सच्चाई यही है कि इन्हें किसी की होल की शेप में बनाया गया है और इस तरह की इन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सके। मेरे ख्याल से इन्हें देवताओं का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बनाया गया था। एक तरह से ये सितारों और टोम्स में मौजूद शख्स के लिए संकेत का काम करते थे। क्या ये एलियन गॉड्स के लिए बनाया गया टोम है जिसे वो आसानी से ढूंढ सके और यहाँ से आसानी से वापस लौट सके? क्या ये कोफून वाकई एलियंस के लिए किसी किस्म के संकेत थे जिन्हें देखकर वो यहां लौट सकते थे?
कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट तो यही मानते हैं, शायद इसके सबूतों की तलाश में हमें 20वीं सदी में खोजी गई एक विशाल आर्कियोलॉजिकल साइट की खाक छाननी होगी, और वो है चीन के पहले सम्राट का विशाल मकबरा। शांशी प्रोविंस, चाइना। सन 1974 में शान कस्बे के बाहर एक कुआं खोदते हुए किसानों ने एक चौंका देने वाली खोज की। उन्हें युद्ध की पोशाक पहने मिट्टी के एक सैनिक की इंसानी आकार की मूर्ति मिली। और ज्यादा खुदाई करने पर वहां से इस तरह के हजारों स्कल्पचर्स बरामद हुए, जिन्हें टेराकोटा वॉरियर्स कहा जाता है। इनमें से हरेक के चेहरे पर जिंदा इंसानों जैसे हाव भाव उकेरे गए थे। इन्हें यहाँ पनाह लिए 2000 सालों से भी ज्यादा वक्त बीत चुका था। ये वॉरियर्स चीन के चिन राजवंश के पहले सम्राट के मकबरे का हिस्सा थे, जिसका नाम था चिन शी हुआ। कई मायनों में चिन शी हुंग का टोम बेहद कमाल का है। यहाँ करीब 8000 टेराकोटा सोल्जर्स मिले, और उनके साथ ही 520 घोड़े, 130 रथ भी, जिनमें से ज्यादातर आज भी दफन है। चिन शी हुआंग चीन के पहले सम्राट थे, और उन्होंने ही ईसा पूर्व सन 221 में चिन राजवंश की स्थापना की थी। और उन्होंने ऐसी कई चीजों की भी स्थापना की जो चीन के पूरे इंपीरियल पीरियड के दौरान भी काम करती रही। चिन ने ही चीन पर जीत हासिल कर अपना साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने ही द ग्रेट वॉल बनवाई तथा आर्थिक और न्याय व्यवस्था भी कायम की। लेकिन शिन ची हुआं पर मृत्यु को जीतकर अमर बनने का जुनून भी हमेशा सवार रहा। वो ऐसे सम्राट थे जो अजर अमर होना चाहते थे, जो इस खोए हुए ज्ञान को फिर से हासिल करना चाहते थे। वो अपने जीवन काल में देवताओं का रुतबा हासिल करना चाहते थे। अपने इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए चिन ने 30 सालों से भी ज्यादा अरसे तक 7 लाख से भी ज्यादा मजदूरों से इस 4 मंजिला भूमिगत शहर का निर्माण करवाया, जिसे उन्होंने अपनी समाधि के तौर पर चुना था। इस प्राचीन कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच दफन है चीन के इतिहास के सबसे गहरे राज। ये टूम काफी बड़े इलाके में फैला हुआ है, और अब तक इस टूम कॉम्प्लेक्स की 4 दीवारी के आसपास मौजूद सिर्फ थोड़े से हिस्से की ही खुदाई की गई है। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इस कब्रगाह के ठीक बीचों बीच मौजूद इस मकबरे में ही सम्राट चीन के मुर्दा शरीर को दफनाया गया था। यहाँ मर्क्यूरी के खतरनाक स्तर की वजह से आज तक खुदाई नहीं की जा सकी है। माना जाता है कि इस जगह पर यूनिवर्स का हूबहू मॉडल अपने लघु रूप में मौजूद है, जिसकी सीलिंग को आसमान की तरह बनाया गया है और सितारों की जगह मोती लगाए गए हैं, और चीन में बहने वाली नदियां जमीन पर बनाई गई हैं। दरअसल नदियों की शक्ल में ये मर्क्यूरी यानी पारा बह रहा है। मर्क्यूरी एक कंडक्टिव एलिमेंट है, जिसका इस्तेमाल गेजेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है। मर्क्यूरी एक तरल धातु है, जिसकी खोज आर्कियोलॉजिस्ट ने 1500 ईसा पूर्व में एक इजिप्शियन टूम्ब में की थी। कुछ शोधकर्ताओं के मुताबिक मर्क्यूरी की मौजूदगी प्राचीन जगत में आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का सबूत है। इन टूम्स में मर्क्यूरी का इस्तेमाल एक अनोखी बात है। मर्क्यूरी एक ऐसी चीज है जो हमारी ज्यादा काम की नहीं है। इसे सिर्फ बेहद हाईटेक डिवाइसेस में यूज करते हैं, और हो सकता है कि प्राचीन काल में इस ग्रह पर इसका इस्तेमाल एलियंस ने अपनी टेक्नोलॉजी के लिए किया हो। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के मुताबिक चीन के पहले सम्राट ने किसी दूसरी दुनिया के प्राणियों से प्रभावित होकर इन स्मारकों का निर्माण करवाया था। तो क्या मकबरे में पाया गया मर्क्यूरी हजारों साल पहले चीन में इस्तेमाल हुई एलियन टेक्नोलॉजी का सबूत है? वो टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल सिर्फ मुर्दों को दफनाने के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया के अलौकिक प्राणियों को उनकी दुनिया में वापस भेजने के लिए भी किया गया था। इन रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए हमें पूरी दुनिया में मौजूद रहस्यमय कब्रगाहों का नजदीकी से मुआयना करना होगा। ग्यांगजू, साउथ कोरिया। यहां जापान के समुद्री तटों के नजदीक मौजूद है च्योन मचोंग के खंडहर।
इन्हें 1973 में दुनिया के सामने लाया गया। शोधकर्ता मानते हैं कि टीले के आकार के इस मकबरे को 5वीं सदी में सिला वंश के शासकों ने बनवाया था, जिन्होंने यहाँ करीब 1000 साल तक राज किया। इस टूम की सबसे बड़ी खासियत है इस पर बनी हुई एक तस्वीर, जिसे हेवनली हॉर्स नाम दिया गया है। इसीलिए इसे कई बार हेवनली हॉर्स टूम भी कहा जाता है। इस हॉर्स की 8 टांगे हैं और सबसे आग निकल रही है। अब ये इस दुनिया का कोई आम घोड़ा तो बिल्कुल नहीं है, ये हवा में उड़ते किसी हॉर्स और ड्रैगन का मिला जुला रूप रखता है। शायद ये आत्मा के सफर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या खुद आत्माओं को दूसरी दुनिया में ले जाने का जरिया है। ज्यादातर इतिहासकारों के मुताबिक घोड़े की यह तस्वीर न सिर्फ प्राचीन कोरियन संस्कृति में घोड़ों की अहमियत को दर्शाती है, बल्कि ये सम्राट की दूसरी दुनिया में आस्था का सबूत भी है। लेकिन प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट ने इसका एक और गहरा अर्थ निकाला है। उन्हें यकीन है कि पंखों वाले इस घोड़े की पेंटिंग दरअसल मृतकों के इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में दाखिल होने के सफर का प्रतीक है। तिब्बती और मंगोलियन लोगों में भी इस तरह की फ्लाइंग हॉर्सेस के किस्से मशहूर हैं, और ये हॉर्सेस भी संस्कृत गाथाओं में बताए गए विमानों जैसी ही फ्लाइंग मशीन्स हैं। यानी चैरियट्स ऑफ द गॉड्स इसी नाम से लिखी अपनी किताब में एरिक वॉन डेनिकन ने भी इन्हीं का जिक्र किया है। हम जानते हैं कि पहले घोड़े की सवारी आम साधन था, लेकिन उनमें से सिर्फ यही घोड़े उड़ सकते थे। ये उस वक्त के फ्लाइंग व्हीकल्स थे। अगर आप इनकी ओर थोड़ा और करीब से देखेंगे तो ये आपको ड्रैगन जैसे दिखाई देंगे, क्योंकि इनके पैरों से आग निकल रही है और खुद उनके पैर भी पैरों से ज्यादा किसी किस्म के पंख लग रहे हैं। हमें ये याद रखने की जरूरत है कि हमारे पूर्वज स्पेस व्हीकल को देखने के आदि नहीं थे, इसलिए उस वक्त उन्होंने आसमान में जो कुछ देखा उसे ही उन्होंने आसमान से उतरने वाले 8 पैरों वाले घोड़े के रूप में दर्शाया है। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के मुताबिक चियोन मचोंग के ये हेवनली हॉर्स यानी अलौकिक घोड़े एलियंस के किसी उड़ने वाले वाहन की नकल है। तो क्या इससे उनकी वो दलीलें सही साबित होती हैं, जिनके अनुसार प्राचीन मकबरे किसी दूसरी दुनिया में जाने के गुप्त द्वार थे? हालांकि इन रहस्यमय चित्रों के सुराग एक दूसरी कब्रगाह पर भी ढूंढे जा सकते हैं, जो यहां से करीब 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर है, आयरलैंड में बॉयन रिवर वैली। यहां डबलिन से करीब 50 किलोमीटर उत्तर में है न्यू ग्रेंज, ईसा पूर्व 3200 में बना एक ट्यूमुलस टूम्ब। ये दक्षिणी कोरिया में मिले टूम्ब से काफी मिलता जुलता है। इस इलाके में मिले कई प्राचीन मकबरों में से ये सबसे अच्छी तरह संरक्षित है। अपने निर्माण के वक्त न्यू ग्रेंज पृथ्वी पर इंसान द्वारा बनाए गए सबसे बड़े स्ट्रक्चर में से एक था। माना जाता है कि ये करीब 5000 साल पुराना है और शायद उससे ज्यादा भी। ये ग्रेट पिरामिड के जमाने का है। इस तरह ये एक विकसित सभ्यता द्वारा किया गया बेहद शानदार निर्माण कार्य था। न्यू ग्रेंज का अंदरूनी रास्ता शानदार बारीकी के साथ बनाया गया है और इसका डिजाइन सोलर ईयर की गणना करने के लिए बिल्कुल सटीक है। एस्ट्रोनॉमिकली ये विंटर सॉल्स्टिस यानी दक्षिणायन से जुड़ा हुआ है, और ठीक विंटर सॉल्स्टिस पर ही, सिर्फ दक्षिणायन पर ही, सूरज की रोशनी बीच वाले रास्ते से होकर टूम्ब के अंदर दाखिल होती है और टूम्ब के अंदरूनी चेंबर को रोशनी से भर देती है। इस इनर चेंबर में बेहद रहस्यमय और विशाल सिंबल्स बनाए गए हैं, जिन्हें समझने में हम आज तक नाकामयाब रहे हैं। ये उनकी गजब की काबिलियत दर्शाता है। उन प्राचीन लोगों के लिए इनकी क्या अहमियत थी ये तो कहना मुश्किल है, पर हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो विंटर सॉल्स्टिस के वक्त यहाँ इकट्ठा होते थे और कई तरह के उत्सव मनाते होंगे, और पुजारी और पुजारिन ने इनर चेंबर में दाखिल होते होंगे और हर साल घटने वाले इस चमत्कार के गवाह बनते होंगे। असल में हमें
विंटर सोल्स्टिस के दिन सूरज की डेथ का नज़ारा दिखता है और इस दिन सूरज लोवेस्ट पॉइंट पर होता है और फिर नई जिंदगी में दोबारा जन्म लेता है। इसलिए मौत और उसके बाद के सफर और पुनर्जन्म के साथ के इस चक्र को फिर से दर्शाने के लिए इस टोम से बढ़िया और कौन सा जरिया हो सकता है? क्या यह मुमकिन है कि न्यू ग्रेंज के सेलेस्टियल अलाइनमेंट को दूसरी दुनिया के सफर को दर्शाने के लिए बनाया गया था? कुछ प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट ऐसा ही मानते हैं। ये स्पाइरल गैलेक्सीज उन टर्म्स में से एक है जिसे हम हमेशा यूज करते हैं, इसलिए सवाल उठता है कि क्या इनमें से कुछ स्पाइरल्स किसी ना किसी तरीके से गैलेक्टिक ट्रैवल से जुड़े हुए हैं। और न्यू ग्रेंज का निर्माण करने वालों के विश्वास के आधार पर हम जानते हैं कि ये अंतरिक्ष की यात्रा से जुड़े हुए हैं। उन्हें इस यात्रा में अटूट विश्वास था। जब हम इन फेमस ट्यूमुल स्टॉर्म्स को देखते हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, ये एक गोलाकार टीले हैं। इनकी इस शेप को फ्लाइंग सॉसर्स या फिर कहिए यूएफओ के जैसा बनाया गया है। और इन स्पाइरल और भंवर को अक्सर ही टाइम ट्रेवल को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और शायद इसी तरीके से एलियंस पृथ्वी पर आए होंगे। क्या पूरी दुनिया में पाए गए इन सैकड़ों कब्रगाहों के तार किसी अजनबी दुनिया से जुड़े हैं? अगर हाँ, तो क्या ये मुमकिन है कि एलियंस इनका इस्तेमाल एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने के गुप्त द्वार की तरह करते थे? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट इसी ओर इशारा करते हैं। हालांकि किसी दूसरी दुनिया की ये बातें उतनी मुश्किल भी नहीं जितनी सोचने में लगती है, खास तौर पर ये देखते हुए कि इस तरह की घटनाएं आज इसी वक्त भी घट रही हैं, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पश्चिम इलाके में। सियरा काउंटी, न्यू मेक्सिको, साल 2010। 3, 2, 1, फायर। यहाँ एरोस्पेस कंपनी सेलेस्टिस इनकॉर्पोरेटेड ने दुनिया के पहले प्राइवेट मेमोरियल स्पेस फ्लाइट्स को लॉन्च किया, जिसने लोगों को एक अनोखी और नई फ्यूनरल सर्विस का विकल्प दिया। ये कंपनी क्या करती है? ये मरे हुए इंसान की राख को अंतरिक्ष में बिखेर देती है। इस सर्विस का इस्तेमाल करने वालों में स्टार ट्रेक के क्रिएटर जीन रोडेनब्री, 1960 के आइकन टिमोथी लियरी थी, यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉट गॉर्डन कूपर भी थे जो नासा के बनाए हुए मर्क्यूरी प्रोग्राम का हिस्सा थे। सेलेस्टिस सैटेलाइट और दूसरे पेलोड्स को ऑर्बिट में ले जाने वाले कन्वेंशनल रॉकेट के कंपार्टमेंट किराए पर लेती है। वो सिर्फ 7 ग्राम एशेस को ही छोटे छोटे कंटेनर्स में ऊपर भेजते हैं, इसलिए ये मुझे काफी दिलचस्प चीज लगती है, क्योंकि अब हमारे पास भी अपने रिमेन्स को बाहर अंतरिक्ष में भेजने की पॉसिबिलिटी है। मुझे ताज्जुब है कि हम फिर से इस इतिहास को दोहरा रहे हैं। फैरो या दूसरे सम्राट भी बोट या फिर उसी तरह की दूसरी चीजों का इस्तेमाल करके जन्नत में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हम अपने प्रियजनों के मृत शरीर के अवशेषों को अंतरिक्ष में क्यों भेजना चाहते हैं? क्या हमारे भीतर आज भी सितारों की दुनिया में लौटने की कोई अनजानी लालसा दबी हुई है? क्या इंसान के सदियों पुराने जन्नत में अटूट विश्वास से इसका कोई संबंध है? जन्नत यानी सपनों की वो दुनिया जो हमारी इस दुनिया से बहुत दूर कहीं है। मेरे ख्याल से ऐसे कदम उठाने वाले लोग सही मायनों में दूरदर्शी थे जो इंसान को अंतरिक्ष की गहराइयों तक ले जाना चाहते थे। हमें इस यात्रा के लिए तैयार करना चाहते थे ताकि अपने पूर्वजों की तलाश में भटकती मानव जाति को मंजिल मिल सके। मुझे लगता है कि भविष्य में इसी तरह की दिलचस्प चीज़ों की तादाद और बढ़ने वाली है, और धीरे धीरे हमारी सोच भी हमारे पूर्वजों जैसी ही हो जाएगी। हो सकता है भविष्य में हम अपने पूरे शरीर को अंतरिक्ष में भेजने के काबिल हो जाएं और अपनी यात्रा पूरी करके अपने पूर्वजों से मिल सकें। हम सभी सितारों से ही बने हैं और पूरा यूनिवर्स ही सितारों की धूल से बना हुआ है, इसीलिए ये जाहिर सी बात है कि कुछ लोग क्यों अपने एशिस को वापस अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं। पुराने वक्त में हमारे पूर्वज
खुद को इंसानी शरीर में कैद अमर आत्मा ही मानते थे, जो शायद बार बार जन्म लेकर वापस आ सकती है। और ऐसा माना जाता था कि इंसान की कुछ चाहते उसके मरने के बाद भी जिंदा रहती हैं। इस लिहाज से हम इन टूम्स को अधूरी इंसानी चाहतों का अमर रूप मान सकते हैं। शोधकर्ता ये मानते हैं कि सदियों से इंसान किसी दूसरी दुनिया के लोगों से संपर्क करने की कोशिशों में जुटा है। अगर ये सच है तो क्या पूरी दुनिया में मौजूद ये प्राचीन मकबरे हमारी मौत के बाद शुरू होने वाले सितारों के सफर के लिए बनाए गए थे? ये बताना मुश्किल है कि रात के वक्त आसमान को ताकते हमारे पूर्वजों के मन में कैसे कैसे ख्याल आते होंगे। हो सकता है वो इस अनंत आसमान और तारों को देखकर दंग रह जाते होंगे, और शायद उन्होंने अपनी गाथाओं में यही बयान किया है, या उन्होंने जन्नत में रहने वाले अपने देवताओं और दूसरी अलौकिक शक्तियों के लिए इन किस्सों को खुद बुना है। शायद इसीलिए कई प्राचीन टेंपल्स जन्नत में रहने वाली इन्हीं ताकतों की ओर इशारा कर रहे हैं। हमारे पूर्वज इन स्ट्रक्चर्स को बना रहे थे ताकि देवताओं की नजर इन पर पड़ सके और देवताओं तक पहुंचने वाली आत्माएं आगे बढ़ सके। हमारे पूर्वज पूरा जोर लगाकर हमें सिर्फ इतना संदेश देना चाहते हैं कि आत्मा को सितारों की महायात्रा पर जाना ही पड़ता है। पूरी दुनिया में एक जैसी ही मान्यताएं दिखाई देती हैं। जब लोगों को दफनाए जाने की बात आती है, और कभी कभी तो आपकी बॉडी को इसलिए प्रिजर्व किया जाएगा ताकि बाद में यूज किया जा सके। अगर ये हमारे लिए मुमकिन है तो हो सकता है कि एलियंस भी ऐसा कर सकते हों। मकबरे जो आपस में जुड़े हैं अपने डिजाइन, परंपराओं और सुकून के साथ जिंदगी से मौत तक के सफर की ख्वाहिश से, क्या यह मुमकिन है कि ये प्राचीन कब्रगाहें सितारों से आए लोगों के ज्ञान की मदद से बनाई गई थी? अगर यह सच है तो क्या ये गुप्त द्वार हमें फिर से उनकी दुनिया में ले जाएंगे? शायद इसका जवाब हम इंसानों को जल्द ही मिल जाएगा, या फिर शायद तब जब हम अपनी आखिरी सांस ले रहे होंगे।